एक उत्साह, एक उमंग, आप सबसे मेरी अपील है, एक एक व्यक्ति के पास जाइए, एक एक को बोलिए। अब याद करिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्रनायक सरदार पटेल एक ओर है और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ है। वो जिन्ना का भी लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भाइयों बहनों भारत की स्थिति क्या होती, कल्पना से ही एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। याद करिए, जब सरदार पटेल स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों ने छोड़ दिया था, बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया था, उन्होंने कहा था जिसकी मर्जी आए जहां जाए, और तब सरदार पटेल के हाथों में जिम्मेदारी आई थी। देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने का जो अभियान प्रारंभ किया, जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम, ये दोनों कहते थे कि नहीं, हम नहीं भारत गणराज्य में शामिल होंगे। सरदार पटेल ने कहा कि सीधी बातों से मानोगे ठीक है, नहीं तो टेढ़ी हाथ टेढ़ी उंगली से भी हमें घी निकालना आता है। और जूनागढ़ का नवाब तो अपने पालतू कुतिया को लेकर के भाग खड़ा हुआ पाकिस्तान जाकर के, अपने बीबी बच्चों को छोड़ गया यहीं पे, और हैदराबाद का निजाम भी बहुत अकड़ रहा था। आप आश्चर्य करेंगे, उस समय के प्रधानमंत्री जब हैदराबाद गए थे तो निजाम मिलने नहीं आया, तब सरदार पटेल स्वयं गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हैदराबाद रियासत का विलय भारत गणराज्य में हो गया है, आप अब सत्ता छोड़ दीजिए, और अगर सीधी बातों से नहीं करोगे तो हमें सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। वह भी नतमस्तक हो गया। भाइयों बहनों, सरदार पटेल भारत के राष्ट्रनायक हैं और जिन्ना सदैव भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या जनता को बताएंगे? सरदार पटेल राष्ट्रनायक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्रनायक हैं, अशोक महान है, महात्मा बुद्ध दुनिया के अंदर सदैव शांति, मैत्री और करुणा के रूप में पूजे जाते रहेंगे। लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। तालिबान के समर्थन में नारेबाजी तो वहीं से शुरू हुई थी ना, तालिबान के समर्थन में इन्होंने ही वक्तव्य दिए थे ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें इन सब बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। आप यहां पर तमाम अपनी इतनी दूरी तय करके यहां पर आए हैं, आप सबका मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आप सबसे अपील करूंगा, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को अपने साथ जोड़िए, अपने माननीय सांसद माननीय विधायक के साथ मिल करके, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिल करके एक एक घर को जाइए और एक एक घर से संवाद बनाइए, और कहिए कि भाइयों बहनों, आप सबको भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सहयोग के लिए खड़ा होना होगा, और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के फिर से उस राष्ट्रवादी सरकार को, राष्ट्रवादी सोच की सरकार को प्रदेश के अंदर गठित करने के लिए अपना योगदान देना होगा।